नमस्कार बच्चों, आप सभी को नारायणा अमेजिंग असाइनमेंट में स्वागत है। आज का हमारा विषय बेटा नया सवेरा। क्या है बेटा? नया सवेरा। इस पाठ से संबंधित हम कुछ असाइनमेंट्स कर चुके हैं और आज का असाइनमेंट है बेटा, देखिए सही उत्तर पर सही निशाना लगाओ। यानी यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और उनके संबंधित कुछ विकल्प है, सही विकल्प को चुनकर सही निशाना लगाना है। करेंगे क्या? चलो आ जाइए। रात बीतने पर क्या हुआ? रात बीतने पर, रात आने पर नहीं, रात बीतने पर क्या हुआ? बारिश हुआ, बारिश हुई, उजाला या अंधेरा? रात बीतने से क्या होता बेटा? उजाला। शाबाश, क्या हुआ? उजाला। और देखिए, छाया क्यों सिमटने लगी? छाया क्यों सिमटने लगी? धूप निकल आई, शाम हो गई, दोपहर हो गई। क्यों? पर में क्या दिए? हाँ, धूप निकल आई। धूप निकल आने से क्या हो गया? छाया सिमटने लगी। तो हमारा सही उत्तर है धूप निकल आई, पहला विकल्प। हरी दूब पर क्या चमक रहा है? दूब, दूब का मतलब क्या है बेटा? घास। दुख का मतलब घास है। ओके, घास पर क्या चमक रहा था? याद है? देखिए, मोती, धूप, ओस। मोती, धूप, ओस। क्या है? ओस। ओस चमक रहा है। ठीक बेटा, इस तरह से हम फर्स्ट बिट कंप्लीट किए। सेकंड बिट में क्या है? निम्न शब्दों के अर्थ चुनकर लिखिए। यहां पर हमें हिंट्स दिए हैं, घास, परछाई, सवेरा, रोशनी। इनकी सहायता से हम इन शब्दों के अर्थ लिखना है। शब्द क्या दिए हैं? उजाला, धूप, सुबह, छाया। करेंगे क्या? चलो, उजाला। उजाला का मतलब क्या है? घास है, परछाई है, सवेरा है या रोशनी है? उजाला यानी रोशनी। तो इसका अर्थ क्या है? रोशनी। ये हो गया। और उसके बाद में सुबह। सुबह का अर्थ क्या है बेटा? घास, परछाई, सवेरा। क्या है? सवेरा। सुबह का अर्थ है सवेरा। ठीक है बेटा, अभी दूब। दूब का अर्थ मैं ऑलरेडी फर्स्ट बिट में ऑलरेडी बोल चुका हूं। क्या है? याद आया? इसमें हरी दूब पर क्या चमक रहा है? हरी घास पर। क्या है? दूब का मतलब घास। ठीक बेटा, अब ये है दूब का अर्थ, घास। अब यहां पर एक अर्थ बचा हुआ है और यहां पर शब्द बचा हुआ है। क्या है? परछाई। यानी छाया का अर्थ क्या होता है? परछाई। लिख लीजिए। ओके, इस तरह से हम शब्दों के अर्थ भी लिख चुके हैं और ये जो सही उत्तर पर निशाना भी लगाए हैं। और इसी तरह से अन्य अभ्यास कार्य भी आप घर पर ही सुरक्षित से रहकर कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।